अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खुशपाश होंगे। हिना आप भी हेलो हाय कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसे लग रहे हैं आपको अस्मा साकिब के ब्लॉग, खासकर कराची के नए नए ब्लॉग आ रहे हैं न्यू अपडेट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी है ना, क्या बना रही हैं आप? कुछ मजेदार सा बना रही हैं मुझे लग रहा है। ये फेवरेट है, यानी कि ये शाही टुकड़े कहलाता है। अच्छा, वैसे बेसिकली शाही टुकड़े तो बड़े ऑथेंटिक से बनते हैं। क्विक एंड ईजी टाइप के शाही टुकड़े जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स से ही आपके शाही टुकड़े बन जाते हैं। वेरी गुड। अंडा, चीनी जो कि हेल्दी फॉर्म में आ जाता है, साथ में आप अच्छी वाली ब्रेड को ही ले लें और जो है आप उसके अंदर डिप करें और बच्चों को शाम का जो स्नैक है, इस टाइम जैसे बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगती है बिल्कुल, तो आपने ये कि डीप फ्राई नहीं करना है बिल्कुल, आपने शलो फ्राई भी नहीं करना है, बस लाइट से आपने ऑयल या मक्खन आपने ऐड करना है। सही, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ किस तरह से। आपने चीनी ले लेनी 3 से 4 चम्मच जबरदस्त, और दूध आप 1.5 कप ले लें, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी ब्रेड यूज करनी है। सही सही। और साथ में आप 3 से 4 अंडे ले लें। अच्छा, आपने कितने एग ऐड किए हैं? मैंने 3 अंडे डाले हैं। अच्छा। और 1.5 कप दूध का डाला है। सही। और तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी के ऐड किए हैं। चीनी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि ब्रेड की मतलब आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, लोग ज्यादा मीठा आजकल तो सब लोग ही कम मीठा ही खाते हैं, क्योंकि चीनी जो है वैसी सेहत के लिए जो है वो बच्चों के लिए भी इतनी अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, बहुत जबरदस्त सा ये इस तरह से बैटर। अच्छा, जिनके पास वो ब्लेंडर हो हैंड तो वो भी यूज कर सकते हैं। वेल डन, बेस्ट होता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है इसका। और इस तरह से आपने पैन लेना। अच्छा जी, अगर ये नॉनस्टिक पैन है तो बहुत अच्छी बात है। सही सही। वैसे ये मेरा नॉनस्टिक ही है, लेकिन आप यू नो पाकिस्तान में इतनी ज्यादा कुकिंग होती है हाई फ्लेम पे, तो वो नॉनस्टिक की बजाय वो कुछ हो जाता है, कुछ और ही बन जाता है। आपने ऑयल इतना सा रखना है जैसे ब्रश कर लें। हाँ, लाइट सा। ओके ओके ओके, गुड गुड। और आपने ऐसे ब्रेड ओपन की। अच्छा, ये इतने सॉफ्ट और इतने जबरदस्त बनते हैं जैसे आप केक खा रहे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा आवाज भाई, मुझे तो इतनी भूख लग गई ये कसम से। आज ना हम लोग बहुत लेट, रात में हम लोग लेट नाइट घर आए, हम लोगों ने खूब जो है वो एंजॉय किया। अच्छा, पीछे जो नॉइस आ रही होगी वो जनरेटर चल रहा है, लाइट गई है हमारे यहाँ, तो प्लीज आप उसको जो है वो अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, क्योंकि बिना लाइट के जो है वो हम काम नहीं कर सकते। जनरेटर बिल्कुल सर के ऊपर, किचन के ऊपर छत है ना, वहाँ चल रहा है। आज बहुत आवाज आ रही है, खिड़की खुली हुई किचन की। सही सही। अच्छा, आपने इस तरह से इसको 2 से 3 दफा डिप करना है। सही। ज्यादा बिल्कुल भी नरम नहीं कर लेना। अच्छा अच्छा, फिर वो टूट जाएगा ना। सही सही। अच्छा जनाब, मैंने कभी शाही टुकड़े नहीं बनाया, आज मैं सीख रही हूँ अपनी कजन से मजेदार से शाही टुकड़े, जो खाने के बाद हमें शाही बना देंगे। चाय रखूंगी साथ में, चाय बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। वेरी गुड। तो अच्छा, हम लोग ना आज बहुत लेट उठे सो के ना, तकरीबन 12 बज गए थे, हम लोगों ने नींदे शींदे की पूरी, बच्चे स्कूल चले गए थे और मेरे बच्चे सो रहे थे, तो फिर हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट था ना वो समझे कि लंच हो गया था हमारा। हम लोगों ने मज़ेदार पराठे इंजॉय किए हिना के हाथ के, और तकरीबन हम लोगों ने मेरे ख्याल में 2:30-2 बजे जो है वो किया था ब्रेकफास्ट, तो फिर हम लोगों ने स्किप कर दिया ना दोपहर का लंच। हमने कहा आप बिल्कुल भी जो है वो मूड नहीं है, हम लोगों ने हल्के फुल्के चने वने इस तरह के कुछ स्नैक ले लिया, तो अभी लग रही है भूख ना बच्चों को भी और हमें भी। तो हिना ने बोला क्यों नहीं आप लोगों को मज़ेदार से मैं शाही टुकड़े जो है वो खिलाती हूँ, तो अभी ये देखें। आग कितनी? दरमियानी। अब आपने दरमियानी आंच पे इनको हल्का सा बस ऐसे गोल्डन सा कलर आना चाहिए। आप चाहे तो इसको क्रिस्प करने के लिए थोड़ा और गोल्डन पर लाइट जितनी आंच कम होगी उतने अच्छे ये क्रिस्पी बनेंगे। फिर वो ये होगा कि ऊपर से जल जाएंगे। सही सही सही। टेस्ट भी बहुत अजीब सा आता है एग का। सही सही। थोड़ा सा अच्छा, ये बहुत मुफीद, एक तो आपको देखो बहुत मजे के बने, दूसरा ये कि अक्सर हमारे घरों में ब्रेड आ जाती है तो वो बच जाती है हाफ से ज्यादा। मेरे घर में तो यही होता है कि बच्चों ने 3-4 स्लाइस लिए, बाकी ब्रेड वैसी की वैसे ही पड़ी रह जाती है, तो ये मुझे बहुत एडमायर किया है शाही टुकड़ों ने कि जो आपकी ब्रेड बची हो वो आप शाम की चाय के साथ इस तरह से। आप इसमें शुगर ऐड नहीं करते ना, और अगर आप कंडेंस मिल्क आपके पास है आप ऐसे रोस्ट कर लो इनको, निकालो कंडेंस मिल्क स्प्रेड करो, ड्राई फ्रूट डालो और फिर आप सोचे आपकी कि ये क्या बन रहा है। ओह माय गॉड, ये भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत मजे का बन जबरदस्त बहुत मजे का केक बन जाता है।
वेराइटी स्नैक बन जाता है आपका। सर्दियों में तो ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं जनाब। अच्छा अभी आप इसको जस्ट निकालेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं डालेंगे? नहीं नहीं, ये बस ऐसे ही है। ये हमारा लो कॉस्ट भी है और साथ में जो है क्विक एंड हेल्दी भी है। वाओ, हां वो कहते हैं जितना गुड़ उतना मीठा। सही बात, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, तो मैं तो व्यूअर्स लगी हूँ इसको खाने टेस्ट करने लगी हूँ। इस तरह से इसको, वैसे भी मेरा कटर है, मैं अभी जल्दी जल्दी आपको शो करवाती हूँ। सही सही। बाकी आप जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल असमा साकी व्लॉग्स और वारसी व्लॉग को जो है वो मेरे ख्याल में हॉट होगा अभी तक जो है वो नहीं किया आप लोगों ने सब्सक्राइब, प्लीज़ और सब्सक्राइब कर ले। चलती हूँ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।